वहीं रुक करते हैं अब इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि रायपुर से सामने आ रही है, जहां मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक खत्म हो गई है। मंत्री अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबर इस दौरान मौजूद रहे। धान खरीदी को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई। बारिश के चलते धान के नुकसान पर चर्चा हुई है। वहीं बेमौसम बारिश से धान भीगने पर भी नोटिस भेजा जाएगा। 6 जिलों के कलेक्टर को यह नोटिस भेजा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक खत्म हो गई है। मंत्री अमरजीत भगत के साथ ही मोहम्मद अकबर भी इस दौरान मौजूद रहे। धान खरीदी को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। बारिश के चलते धान के नुकसान पर भी चर्चा हुई है। वहीं बेमौसम बारिश से धान भीगने पर नोटिस भेजे जाने की बात भी सामने आ रही है। 6 जिलों के कलेक्टर को नोटिस भेजा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक खत्म हो गई है। मंत्री अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबर भी इस दौरान मौजूद रहे हैं, और इस बैठक में खास तौर पर धान खरीदी के मुद्दे पर खास चर्चा हुई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता चित्रा पटेल जुड़ी हुई हैं। चित्रा, मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ खास इस बैठक में देखने मिला, बताएं। जी प्राची, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में धान खरीदी के संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक आज उनके निवास कार्यालय में 12 बजे शुरू की गई, जिसमें जो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई, जिसमें मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सदस्य गण वन मंत्री मोहम्मद अकबर और सहकारिता मंत्री, स्कूल मंत्री प्रेम टेकाम, कृषि विकास एवं कल्याण मंत्री रविंद्र चौबे सहित उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी शामिल हुए थे। बैठक में असमय बारिश के कारण प्रभावित उपार्जन केंद्रों की स्थिति, बारदाने की उपलब्धता, बारदाने की कमी तो होनी हो रही है, व्यवस्था ठीक ठाक है, धान खरीदी व्यवस्था, कस्टम मिलिंग एवं धान परिवहन संग्रहण भंडारण तथा रख रखाव को लेकर, समय पर धान उठाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। जी चित्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें, मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक जो है खत्म हो गई है। मंत्री अमरजीत भगत, मोहम्मद अकबर इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें, खासतौर पर धान खरीदी को लेकर जो तमाम मुद्दे हैं उन्हें लेकर इस बैठक में खासतौर पर चर्चा की गई है।